नोएडा शहरवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रयासरत फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कोरोना के दौरान प्राधिकरण और आम लोगों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए प्रयास किए। 21 जुलाई को फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की मौजूदा कार्यकारिणी को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल के दौरान क्या उपलब्धियां रही और अब क्या प्राथमिकताएं होंगी, इसी सिलसिले में फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने खास बातचीत की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा फोनरवा, नोएडा को संचालित करने के लिए 115 सेक्टर हैं, उन सेक्टरों की आरडब्ल्यूए ने एक संगठन इजाद किया है जिसको हम फोनरवा के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी। 2 साल का कार्यकाल इनका रहा, कार्यकाल पूरा हो रहा है 21 जुलाई को। इस दौरान कोरोना महामारी से बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण शहर है, इस शहर में किस तरीके से उन्होंने कोरोना का सामना किया, सामाजिक जिम्मेदारियों को किस तरीके से निर्वहन किया। योगेंद्र बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो, और सीधा सवाल, क्या उपलब्धियां और क्या चैलेंजेज रहे इस कोरोना काल के दौरान? जब पहला कोरोना काल था तो हमने लोगों की स्थिति देखते हुए, जैसे आप सबको मालूम है, तो हमने 50 दिन फोनरवा रसोई के नाम से हमने जो है रसोई चलाई, तो उसमें कम से कम 2500-3000 लोगों को हमें वहाँ पर भोजन की व्यवस्था करते थे, कुछ प्राधिकरण को पैकेट वितरित करते थे, कुछ हमारे पास वहाँ पे गरीब लोग, वहाँ पे जो मजदूर लोग थे जो खाने की जिनकी स्थिति पैकेट नहीं मिल पा रहे थे तो उनको भोजन की व्यवस्था वहाँ पे कराते थे। उसके अंतराल भी फिर हमने धीरे धीरे जो भी विकास के कार्य थे, चुनौती थी हमारे सामने, घरों से लोग निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने चुनौतियों को स्वीकार किया। जो भी सेक्टर के विकास कार्य थे, कोरोना काल चल रहा था, पुलिस का आरडब्ल्यू के साथ संवाद नहीं था तो हमने संवाद की प्रक्रिया पूरी कराई जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। प्राधिकरण का संवाद नहीं था तो प्राधिकरण के साथ भी हमने संवाद पूरा किया। लगभग हमने 50-60 सेक्टरों में ये एक दो आरडब्ल्यू के साथ मीटिंगें कराई, तो काफ़ी लोगों को घर बैठे हमने सोचा कि कोरोना काल में आरडब्ल्यू में प्राधिकरण में ना जाएं और वहीं पर बैठ कर उनके काम हों। अच्छा, 21 तारीख को आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, अब नए चैलेंज, क्योंकि दोबारा चुनाव आ रहा है तो चुनाव में निश्चित तौर पर दोबारा टीम बना के उतरेंगे, तो क्या प्रक्रिया और क्या प्राथमिकताएं होंगी? एक मिनट के अंदर जो हमारी फेड जो इंडिविजुअल जो प्लॉट हैं उनकी आरडब्ल्यू में अभी थोड़ी सी बाधा उत्पन्न है। हमने जो बोर्ड मीटिंग में लखनऊ में प्राधिकरण की तरफ से जो है एक लेटर गया है तो उसको हमें वहाँ से पूर्ण कराना है उसको, और एक फ्री होल्ड का हमारा मुद्दा था तो उसमें हम जैसे 1.5 साल आप सबको मालूम है उसमें हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए तो उसको हमें पूरा कराना है। एक पानी की हमारी समस्या थी, पानी के जो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे नल, 400 से ज़्यादा नलकूप थे जिसमें आधे खराब थे, समर वेल थे वो खराब थे तो उनको हमने सही कराया, लेकिन अभी पानी की अभी शहर में किल्लत है, अभी उस पर हमें और काम करना है। ट्रैफिक की भी व्यवस्था है, ट्रैफिक पर हमने काम किया है, ट्रैफिक पुलिस के साथ काफ़ी हमने मीटिंगें की हैं, ट्रैफिक की भी एक बड़ी समस्या है लेकिन उस पर भी हमारा आगे का मुद्दा रहेगा। हमें इस पर एक सिटी बस का है सेक्टरों का भी, अब हम देखते हैं कि ट्रैफिक की अभी व्यवस्था थी, लोगों के पास अब आने जाने की अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हम सोच रहे हैं प्राधिकरण से बात करके, ट्रैफिक से बात करके आपस में इनका तालमेल बैठाएं और सिटी बसों का भी हम इनकी व्यवस्था कराएं। किसी भी शहर को बेहतर बनाए रखने के लिए सामाजिक संगठनों के भी दायित्व तो होते हैं, अगर वो सही से उनका निर्वहन किया जाए तो निश्चित तौर पर आम आदमी को उसका लाभ मिलता है। फोनरवा शायद इस काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।